जहाँ एक बड़ी लीडर ये कहती फिरती है कि मेरे पास और भी बहुत सारी ब्लैकमेल टेप्स है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं शुरू करूंगा, ये जो ऑर्डिनेंस लेके आई है गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा है आज ARY से गुफ्तगू करते हुए कि अगर इसको जूं का तूं इसको अगर लागू कर दिया गया तो ये ड्रैकोनियन होगा, हम इसको रेगुलेट करेंगे। क्या आपको लगता है कि अदालतें इस हवाले से क्या फैसला करेंगी? फैसला तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या करेगी अदालत। मेरा ख्याल है कि इस कानून की जो ज्यादा तेज तलवार है उसको, उसकी धार को जरा कर देगी, खुदेगी, कुछ खुंडा तो कर देगी। और इतनी ज्यादा स्वाबदीदी ताकत और इख्तियार वो इंतजामिया और अफसरशाही के हाथ में और सियासतदानों के हाथ में नहीं रहने देगी। लेकिन समी ये भी सोचना चाहिए, ये देखिए जी, ये तो फराज की बात की और है ना, वो जब कहता है कि मेरा कलम तो अमानत मेरे जमीर की है, तो उसका जमीर भी शफाफ है, उसकी अमानत भी शफाफ है, उसका कलम भी शफाफ है। पर यहाँ बेशक और बिल्कुल मैं ये जानते और मानते हुए कहूँ कि ये जो कानून है बड़ा सख्त है, पर मैं इससे इम्प्रेस नहीं होता कि जो अटॉर्नी जनरल ने कह दिया है वो तो सारा मिल जाएगा जजों को उसके मुताबिक फैसला करने के लिए। क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कह दिया ये बड़ा ड्रैकोनियन कानून है, भाई तुम्हारी गवर्नमेंट बना रही है, तुम उस गवर्नमेंट में बैठे हो, तुमने उसको अदालत में डिफेंड करना है और आप पहले से कह रहे हो ये ड्रैकोनियन कानून है, आपको इस्तीफा दे के घर जाना चाहिए, अटॉर्नी जनरल क्यों रहना चाहिए। और आपको ये नहीं है कि इस ये वो माशरा है जहाँ एक बड़ी लीडर ये कहती फिरती है कि मेरे पास और भी बहुत सारी ब्लैकमेल टेप्स है, बड़ा कुछ ब्लैकमेल मैं कर सकती हूँ बड़े बड़ों को, और मेरी मेरे से शरारत ना करना, शरारत की तो मैं तबाह कर दूंगी। ये वो ब्लैकमेल वो किस तरह करेगी, वो ये सोशल मीडिया के जरिए करेगी, वो इसी को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया को और इसकी तमाम बुराइयों और बिद्दतों को इस्तेमाल करके ये करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।